नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोड़ाहाट जंगल में नक्सलियों की साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई है। पुलिस ने कच्ची सड़क से बरामद किए हैं 11 लैंडमाइंस। पुलिस पार्टी को उड़ाने के लिए सीरीज में लैंडमाइंस लगाए गए थे। पुलिस पार्टी की सूझबूझ से सुरक्षा बल पर बड़ा नक्सली हमला यहां पर टाल दिया गया है। आपको बता दें कि हाई इंटेंसिटी के ये बम थे। पुलिस पार्टी को बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता था। गोइलकेरा थाना इलाके के कुरकुटिया हुसिपी कच्ची सड़क पर स्थित ससंग टोले की यह घटना है। सुरक्षा बलों ने सभी लैंडमाइंस को विस्फोट कर दिया है, विस्फोटक को नष्ट कर दिया है और जिला पुलिस सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर को यहां पर बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं कि मिली है। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली, लेकिन सुरक्षा बलों और पुलिस वालों की सूझबूझ से बड़े हमले को यहां पर टाल दिया गया है, नाकाम कर दिया गया है। बोकारो में सिटी पार्क के सामने ट्रांसफार्मर में आग लग गई। धू कर ट्रांसफार्मर जलता रहा। मौके पर पहुंची दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बोकारो के सिटी थाना इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिटी पार्क के ट्रांसफार्मर में किस तरीके से आग लगी। आग की लपटें भयानक तरीके से वहां पर उठती हुई दिखाई दे रही थी। दो गाड़ियों को बुलाना पड़ा फायर ब्रिगेड की और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गिरिडीह में वन विभाग की जमीन पर मंदिर निर्माण की मांग को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया और पथराव के दौरान जमुआ पुलिस की पीसीआर वैन और अंचल अधिकारी की वाहन क्षतिग्रस्त हो गई। पूरा मामला नवडीहा ओपी इलाके के गम्हारडीह गांव की है। झड़प में पुलिसकर्मियों के साथ साथ कई ग्रामीण भी घायल हो गए हैं। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है। जमीन था ठीक, तो वो पुलिस बोला कि बोल ठीक है यहाँ मंदिर बनाओ, तुम लोग बना सकते हो। जब हम लोग मंदिर बनाने लगे तो पूरा इतना दीवार ऊंचा था। अब पूरा क्या किया, पुलिस गया और मतलब पूरा एकदम दीवार पर एक डोजर से तोड़वा दिया। अभी सबको घर घुस घुस के सब मारा, सब पकड़ पकड़ के खींच खींच के मारा पुलिस ने। मुखिया जी बोला सर जो दे रहे हैं बनाने के लिए बना लीजिए। उसके बाद जब बनाने लगे उसके बाद ये आ गया उधर से पुलिस, दिया से भी चला के पूरा दिया भी करता। हम लोग बोले बोलने जा रहे थे, उसके बाद देखा पूरा अंदर में सबको जगह जगह के बांधने लगे। चतरा में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। राजपुर थाना इलाके में 83 साल की बुजुर्ग महिला के साथ गांव के ही दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त दोनों युवक शराब के नशे में धुत थे। पुलिस ने आरोपी दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये अत्यंत ही मानवीय दृष्टिकोण से अत्यंत ही गंभीर मामला है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। जो भी इस कांड में संलिप्त है उनका सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ उन्हें सशक्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई दोबारा गलती करने के लिए सोचे भी नहीं। कोरोना संकट काल अभी टला नहीं है, लेकिन झारखंड से मजदूरों का बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से पलायन हो रहा है। चक्रधरपुर में एक बार फिर से मजदूरों से भरी हुई तमिलनाडु की बस पकड़ाई है। इस बस में चक्रधरपुर और गिरिडीह के दो दर्जन से भी ज्यादा मजदूर सवार थे। चक्रधरपुर के जो मजदूर बस में सवार होकर तमिलनाडु जा रहे थे, सभी के सभी लड़कियां हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि लड़कियों में कुछ लड़कियों की उम्र 15 से लेकर 17 साल है, यानी कि नाबालिग बच्चियों को दूसरे राज्यों की निजी कंपनियां अपने यहां काम दिलाने के लिए बहला फुसला कर ले जा रही है। नाबालिग बच्चियों समेत मजदूरों को लाने के लिए बाकायदा कंपनी ने तमिलनाडु से बस भेजी। और हैरानी की बात तो यह है कि बस मालिकों के पास झारखंड में एंट्री का कोई पास नहीं है। बोले कि आप लोगों का विधायक के साथ बात कर रही हैं और आप लोगों को बोलेंगे आने के लिए, तो इसीलिए हम लोग को लगा कि बातचीत किए होंगे। कौन किया हमने? कंपनी का सर लोग। कितना एज है? 16 साल। अच्छा, पढ़ती है? कहाँ पे? नहीं, अभी तो छोड़ दी है। अच्छा, कितना क्लास में पढ़ती थी? सेवन में। आप कहाँ जा रही हैं? तमिलनाडु। क्या करने? काम करने। काम करने? क्या काम?
इन लोगों का कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, इन लोग को पता ही नहीं है कि मैंने इन लोग का हम कहाँ क्या काम कराएगा, क्या इनको तनख्वाह देगा, क्या इनका एग्रीमेंट, कुछ तो नहीं आए यहाँ पर। आप उससे पहले आप सभी लोग देखे थे, जबकि इन लोग को जब लॉकडाउन में जब पूरा कंपनी मैंने कोरोना पॉजिटिव मिला तो इन लोग को पूरा कंपनी बंद कर दिया। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 600 के पार पहुंच चुकी है और आज जिले के विभिन्न डॉक्टरों को सिविल सर्जन कार्यालय में कोविड 19 संबंधित ट्रेनिंग दी गई। अब ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर कोविड 19 अस्पताल में ड्यूटी के लिए तैयार हैं। इन्हें कभी भी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। तो वहीं आईएमए ने जिला प्रशासन से सरकारी डॉक्टरों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं की मांग की है। उनका कहना है कि जितना खतरा सरकारी डॉक्टरों को है उतना ही खतरा प्राइवेट डॉक्टरों को भी है। ऐसे में वो सारी सुविधाएं जो सरकारी डॉक्टरों को दी जा रही हैं हमें भी मिलनी चाहिए। देखिए समस्या है ऐसा कुछ नहीं है, समस्या है जो लोगों का या सभी निजी चिकित्सकों का यही कहना है कि जो गाइडलाइंस के तहत उनको सुविधा प्रदान की जाए। हमारी भी लगातार प्रशासन से बात हो रही है और प्रशासन भी हमको ये इस बात का आश्वासन दे रहा है कि इनको सुविधा दी जाएगी। तो इतनी सी बात है और सभी चीज़, अब जाहिर सी बात है कि पहली बार अगर कोई सरकारी सेटअप में काम करने जा रहा हो तो मन में जो संशय होता है तो उसका पूछता है। तो हमारे यहाँ चार जो है 108 है जो कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो मान लीजिए कि 50-60 कैंडिडेट है तो वहाँ से ले आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम लोग एक एम्बुलेंस जो है एक ऑल्टरनेटिव सोचे हैं जो प्राइवेट सेक्टर से मांगे हैं, तो अगर वो हो जाता है तो इसमें कठिनाइयाँ जो हो रहा है वो दूर हो जाए। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ढुल्लू महतो को जमानत दे दी। ढुल्लू महतो करीब 3 महीनों से सलाखों के पीछे थे। ढुल्लू महतो को 25,000 के निजी मुचलके पर झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी है। दरअसल 11 मई को धनबाद न्यायालय में ढुल्लू ने आत्मसमर्पण किया था। ढुल्लू महतो पर दुष्कर्म सहित कई संगीन आरोप हैं। डुल्लू जी को एक साजिश के तहत फंसाया गया था और आज जो देखें हम लोग को न्यायालय पर पूरा विश्वास था कि उनको सच्चाई की जीत होगी और न्यायालय उनको इस केस से बरी करेगा। आज उनको बेल मिल गया है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला यह झूठा केस से जो उनको फंसाया गया था। पार्टिसिपेटरी बेल रिजेक्ट के बाद हम लोग रेगुलर बेल यहाँ पर फाइल किए थे लोअर कोर्ट में, फिर माननीय न्यायाधीश डीजे थर्ड के न्यायालय में भी वो मामला चला लेकिन वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया था। फिर नेचुरली हम लोगों को ऑनरेबल झारखंड हाईकोर्ट जाना ही था, फिर वहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया। वहाँ झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंद्रजीत भाई हम लोग साथ में थे और आज उनको जमानत इस मामले में दे दिया गया। अब दोनों मातों के ऊपर में जमानत के लिए कोई केस नहीं रहा। वहीं बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कहा है कि कोर्ट पर भरोसा था और न्याय मिला है। देखिए न्यायालय पर विश्वास था तभी तो आज हमको न्याय मिला है और न्यायालय पर सबको विश्वास करना चाहिए। और हमने तो हमारे बड़े भाई वकील साहब जो समझिए हमारे हैं गार्जियन हैं, हमने तो सीबीआई जांच के लिए भी इस केस के बारे में और कई केस हम पर जो झूठा मुकदमा हुआ है उसके बारे में हमने सीबीआई जांच के लिए भी डिमांड किए हैं। मेरा आग्रह को स्वीकार करे कोर्ट और उसका जांच करे, अगर दोषी है तो है, अन्य तो जो गलत इस तरह से आरोप लगाकर हमको जेल भेजा उसको सजा मिलना चाहिए। कोविड 19 की वजह से इस बार देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला नहीं लगा। अब सावन का पावन महीना समाप्ति पर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के भक्तों के लिए बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णमासी और भादो महीने में नई व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। इधर भक्तों के लिए ई टोकन का भी सुझाव दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा वैद्यनाथ के अब होंगे दर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ई टोकन का दिया सुझाव। मंदिर में ई दर्शन, दर्शन नहीं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इस साल कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया। 6 जुलाई से शुरू हुआ सावन अब खत्म होने को है लेकिन इस साल देवघर में बाबा वैद्यनाथ का मंदिर बंद ही रहा। लेकिन अब बाबा वैद्यनाथ के दर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में ई दर्शन दर्शन करना नहीं होता है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भक्तों को दर्शन के लिए ई दर्शन कराने का आदेश दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि कोरोना संकट काल में भीड़ न लगे इसके लिए भक्तों को मंदिर में सीमित संख्या में दर्शन करने की व्यवस्था क्यों नहीं करते। मंदिर में ई दर्शन दर्शन करना नहीं होता है। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को ई टोकन जारी करना भी एक तरीका हो सकता है। आने वाली पूर्णमासी और भादो महीने में नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जब देश खुल रहा है तो केवल धार्मिक स्थल ही क्यों बंद है। अगर कंप्लीट लॉकडाउन हो तो ये अलग बात है, लेकिन अब जब अन्य चीजें खोली जा रही हैं, तो फिर मंदिरों मस्जिदों और चर्च को भी कम से कम महत्वपूर्ण अवसरों पर तो खोला जाना चाहिए। वो सेकुलरिज्म के नाम पर जो है मंदिर को दबाना चाहती थी, क्योंकि जिस लॉबी के सहारे वो है उस लॉबी को ये पता ही नहीं है कि पूजा भी कराना है, पूजा भी एक विषय है। और वहाँ देवघर के भी जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनको घूस देकर उनको दलाली देकर उन्होंने ऐसा क्रिएट किया हुआ था माहौल कि पूजा नहीं होना है। तो सरकार पर यह निर्णय छोड़ दिया गया है कि अपने परिस्थिति में अगर लॉकडाउन का जो कंडीशन है अगर वो रिलैक्स होता है तो उसके मद्देनजर अपना डिसीजन रेगुलेटेड एंट्री का ले सकता है। हर साल श्रावणी मेले से लेकर भाद्रपद की पूर्णिमा तक देवघर शिवमय हो जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद एक बार फिर बाबा के पट खुलने के आसार बढ़े हैं। दिल्ली से महेश गुप्ता के साथ नेहा की रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या में श्रीराम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। 5 अगस्त को अवध नगरी में प्रभु श्रीराम का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या को त्रेता युग की तरह सजाया गया है, तो झारखंड की राजधानी रांची में दीपोत्सव की तैयारी है। तारीख को जिस समय आधारशिला रखी जाएगी तो उस समय मेरा निवेदन होगा संपूर्ण भारतवासियों से कि अपने अपने घरों में मठ में मंदिरों में आश्रमों में जो सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, सभी अपने घर पे ही बैठकर श्री राम जय राम का पाठ करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और भजन कीर्तन में सारा दिन अपना व्यतीत करें। राजधानी रांची को रोशन करने की जिम्मेदारी राजधानी के उन कुम्हारों को मिली है जिनके चाक की रफ्तार कोविड-19 की वजह से थम गई थी। अब कुम्हार परिवार हजारों दिए बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। कुम्हारों को खुशी है कि उनके बनाए दियों को श्रीराम के स्वागत में प्रज्वलित किया जाएगा। हमारे साथ जो कुम्हार हैं वो मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, कितना खास पल होगा और कितना ऑर्डर मिला है आपको? सर, मुझे तो ऑर्डर मिला करीब 50,000 का और अभी बना रहे हैं ओवर टाइम करके। ओवर टाइम करके ऑर्डर पूरे करने की कोशिश की जा रही है और पूरा परिवार साथ है, साथ दे रहा है कि जो
दिए का निर्माण किया जा रहा है, दिया जो बनाया जा रहा है उसमें उनकी भागीदारी हो सके। अभी अच्छा लग रहा है, हम लोग का बनाने में भी अच्छा लग रहा है, काम करने में अच्छा लग रहा है कि माल में सेलिंग होगा तो हम लोग का अच्छा लगेगा, रोजगार बढ़ेगा तो अच्छा लगेगा हम लोग का। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने दिन से जो विवाद चल रहा था वो आखिर में सुलझ गया और अब जो है नींव भी रखी जा रही है। दरअसल त्रेता युग में श्री राम के अयोध्या आगमन पर अयोध्या की पावन नगरी दीपों से जगमगा उठी थी और अब 5 अगस्त को भी अयोध्या उसी तरह रोशन होगी। अयोध्या के साथ साथ 5 अगस्त को रांची समेत पूरे देश में एक बार फिर त्रेता युग वाली दिवाली होगी। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। 1 अगस्त यानी कि कल ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाता है। इसे लेकर झारखंड के पुलिस कप्तान ने लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने और त्यौहार मनाने की अपील की है। डीजीपी एमबी राव ने बकरीद ईद की नमाज भी ईद की नमाज की तरह ही घर से अदा करने की अपील की, साथ ही कुर्बानी के दौरान अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचने की भी अपील की है। बकरीद के लिए जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड टाइम में किसी भी तरह का धार्मिक, राजनीतिक या कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कांग्रेगेशंस मना है तो, और वो धार्मिक संगठन भी खोल दिया था कि लोग अपना अपना नमाज जो अपना घरों में अदा करें और कहीं भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन नहीं होने चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।